प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप सरकार द्वारा बनाए गए हुए गाइडलाइन का पालन करते हुए घर पर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम पिछले वीडियो के तहत आगे बढ़ते हुए आज हम सबसे शुरुआत करने वाले हैं। सब जैसा लिखा है, सब वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक शब्द को समूह कहते हैं। आपने वर्ण पढ़ा था, हमने आशा का अध्ययन कर लेंगे और वर्ण के बारे में चीज जानते होंगे, इसलिए आपको यह समझ में अच्छी तरह से आएगा। ऐसा लिखा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात जैसे क धनवा धनला अर्थात कमल, फिर लिखा है स धन धन बराबर अर्थात सर, और ड धन धन बराबर डगर अर्थात उसी तरह से देखें। हम एक सब यहाँ पे और लिख देते हैं, जैसे क र ल, तो इसका हमें अर्थ समझ में नहीं है। क र ल, देखिए यह भी हमने वर्ड लिख दिया है, लेकिन इन वर्णों का ये समूह भी है, लेकिन इन वर्णों का कोई एक अपना अर्थ निकल कर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको शब्द के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो शब्द मतलब आपको समझ में आ गया कि वह शब्द वर्णों का वह समूह, सार्थक समूह जिसका अर्थ निकल के आए, उसे हम क्या कहते हैं, वह शब्द कहते हैं। फिर हम देखते हैं शब्द के भेद। तो शब्द के दो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट हो। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट हो, जैसे जल हो गया, प्रार्थ हो गया, सर हो गया, अस्तर हो गया इत्यादि। फिर आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द अर्थात जिन शब्दों का कोई भी अर्थ स्पष्ट ना हो, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का, जैसे कि हमने देखा, देख रहे हैं आप कि जिन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट ना हो, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसा कि हम लोग प्राय क्या करते हैं, हम लोग अपने जब भी बोलते हैं तो अपने बोलचाल की भाषा में प्राय एक सार्थक शब्द के साथ किसी न किसी निरर्थक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे पानी, हम करें जैसे हम कहते हैं पानी वाणी, रात बात इत्यादि। तो जैसा कि आपने देखा कि हम बोलते समय अपने साथ, तब भी हम बोलते हैं किसी न किसी सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे पानी और वाणी। तो पानी का अर्थ निकल के सामने आता है, लेकिन वाणी का अर्थ निकल कर सामने नहीं आता है, इसलिए शब्द के भेद स्पष्ट हो जाते हैं कि पानी अर्थात कोई हमसे कहता है पानी वाणी, तो हमको स्पष्ट होता है कि पानी हमसे मांग रहा है, लेकिन वाणी का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए पानी क्या है, सार्थक है, और वाणी क्या है, निरर्थक है। तो आपने देखा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार का होता है, फिर निरर्थक मतलब सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। फिर आइए आगे बढ़ते हुए पुनः अब शुरुआत करते हैं संज्ञा से। तो हम संज्ञा के बाद, तो हम शब्द की बात अब संज्ञा से शुरुआत करने वाली, संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा क्या होता है। तो जैसा तुमने पहले लिख रखा है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए परिभाषा इसकी देखेंगे, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पटना, अंगूर, हिमालय, गंगा इत्यादि। तो जैसे देखेंगे राम क्या है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, पटना क्या है किसी स्थान का नाम है, और अंगूर हो गया, और ये क्या है, यह वस्तु का नाम है। अर्थात ये अपनी परिभाषा पे सही तरता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा की पांच भेद होते, कितने भेद हैं, पांच। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। तो आपने देखा कि संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जो इसका भेद है
व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम क्या था पे देखेंगे तो राम, श्याम, गीता और किरण, यानी राम, श्याम, गीता और किरण क्या सिर्फ उन्हीं को स्पष्ट करता है, उनके बारे में हमको दर्शाता है। फिर देखेंगे देशों के नाम के आधार पर देखेंगे तो भारत और जापानी, अगर हम भारत कर रहे हैं तो हमको समझ में आ गया कि हम सिर्फ भारत के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम जापान कर रहे हैं तो हमको समझ में आ गया कि हमें जापान देश के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात इसी प्रकार हम अन्य देशों का नाम भी जान सकते हैं। फिर आगे देखते हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं नदियों का नाम के आधार पर, गंगा हो गया और यमुना हो गया, ठीक। अब शहरों के नाम पे भी हम देख सकते हैं, पटना हो गया, प्रयाग हो गया, तथा जो भी आप अपने आसपास के शहरों को इसमें ले सकते हैं। फिर दूसरा आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। क्या लिखा है? लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। उससे हमें पता, जिसके बारे में पता चल जाता है, बात नाम लिया जाता है, उससे हमको स्पष्ट हो जाता है कि किस जाति के बारे में बात की जा रही है। जैसे अगर मनुष्यों में देखें तो लड़का और लड़की, यानी मनुष्यों में देखें तो अगर हम लड़का कह रहे हैं तो हमें इससे पता चल जाता है कि लड़के यानी लड़कों के बारे में बात की है, और फिर क्या लड़की के बारे में। फिर आदमी हो गया, आदमी को अलग कर लीजिए, फिर औरत, फिर पशु पक्षी देंगे तो गाय, गाय क्या गाय कर दिया तो गाय भी एक जाति होती है उसके बारे में दर्शाया गया है। फिर घोड़ा हो गया, तोता, मोर, और वस्तुओं में देखें तो घर हो गया और आपके घर में रहने वाला मेज हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आप देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। पर है कि द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप तौल सकते हैं पर हम अपर गिन नहीं सकते। जैसे अगर हम देखें खनिजों में तो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और पदार्थों में देखें तो दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया इत्यादि। फिर देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसा कि लिखा है समूहवाचक संज्ञा, समूह मतलब झुंड से होता है, समूह से होता है, जैसा लिखा है कि संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पुनः देखते हैं जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूहों का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, संघ, सेना, वृक्षा, देश और इत्यादि। इससे हमें परिवार के बारे में हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है एक परिवार होता है। फिर अगर हम संघ की बात करते हैं, संघ मतलब समुदाय। फिर सेना का नाम लिखा तो पूरी जो सेना होती है उसके बारे में पता चल जाता है। फिर आते हैं पांचवें प्रकार में यानी भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर या गुण या कार्य का बोध कराए। क्या कराए? भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भी भाव, दशा, धर, गुण या कार्य का बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काटना, लिखावट, लिखना अलग होता है, फिर उसकी लिखावट हम कह सकते उसकी लिखावट बड़ी सुंदर है, मतलब उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, तो लिखावट। फिर बालक से बालपन हो जाता है, महिमा हो जाता है, और सरल से सरलता हो जाता है। हमें किसी भी जैसे हम उसको कह सकते हैं कि किसी भी कार्य में बड़ी उसको उस कार्य में बड़ी सरलता होती है। इसी प्रकार हम तो बच्चों अब हम तब तक क्या पढ़े थे कि संज्ञा किसे कहते हैं,
संज्ञा कितने प्रकार की होती है फिर उनके बारे में हमने जाना, और हम लास्ट में जानने का प्रयत्न करते हैं संज्ञा के विकार। संज्ञा में विकार जैसे कि लिखा है संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। इन संज्ञा शब्दों में विकार ही तीन कारणों से उत्पन्न होता है, यानी संज्ञा संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, यानी इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। वह कैसे? इन तीन कारणों से। पहला लिंग, लिंग के आधार पर हम संज्ञा शब्द को अलग अलग कर सकते हैं, फिर वचन के आधार पर कर सकते हैं, फिर कारक के आधार पर कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम अभी अभी बताते हैं कि लिंग में स्त्रीलिंग हो जाता है और पुरुष लिंग, मतलब हिंदी में स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग हो जाता है, फिर वचन में एक वचन और फिर बहुवचन हो जाता है। इस प्रकार ये संस्कृत में अलग होता है और हिंदी में अलग होता है, और इस चीज को हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।